नमस्कार, पीपीए 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सुप्रीम कोर्ट गेट पर आत्मदाह प्रयास करने वाले दुष्कर्म पीड़िता की भी मौत, बलिया में होगा अंतिम संस्कार। सुप्रीम कोर्ट के बाहर खुद को आग लगाने वाली 24 साल की दुष्कर्म पीड़िता ने मंगलवार की सुबह 11 बजे दम तोड़ दिया। दरअसल 16 अगस्त की सुबह पीड़िता और उसके पैरोकार युवक ने सुप्रीम कोर्ट के गेट पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर आग लगा ली थी। इस मामले में युवक की 21 अगस्त को मौत हो गई थी, जबकि मंगलवार की सुबह युवती ने भी दम तोड़ दिया। बलिया में युवती के परिजनों के अनुसार युवती का अंतिम संस्कार पैतृक गांव में ही किया जाएगा। इसको देखते हुए बलिया जिले में पुलिस भी सक्रिय हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के गेट क्रमांक डी पर 16 अगस्त की दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब बलिया जिले की दुष्कर्म पीड़ित युवती और उसके वाराणसी के साथी ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा लिया था। आरोप है कि मऊ में भाजपा के घोसी सांसद अतुल राय ने लोकसभा चुनाव से पूर्व युवती के साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में युवती ने लंका थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज होते ही अतुल राय फरार हो गए और फरारी के दौरान ही चुनाव लड़ा। इस दौरान वह चुनाव जीत भी गए, लेकिन अभियोग पंजीकृत होने की वजह से उनको सरेंडर करना पड़ा और इस समय प्रयागराज के नैनी जेल में बंद हैं। पीपीए 24 टीवी न्यूज से राहुल पटेल की ये खास रिपोर्ट।